हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल. माई सेल्फ प्रगति पांडे. स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकेंड पार्ट ऑफ चैप्टर 2, दैट इज इनसाइड आवर अर्थ. सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द फर्स्ट पार्ट. इन दैट वी हैव सीन दैट आवर अर्थ हैज ओशियनिक क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. So the crust region which is present beside the earth surface on which we live, that is the continental crust, whereas the crust which is present in the surface in the bed of ocean was called as oceanic crust. So these things we have discussed, and today we are going to see the second layer, that is mantle. So students, this is our chapter Inside Our Earth, and we have seen the introduction of the crust and the explanation of the crust region, and now we will see the mantle. The innermost layer is the core with a radius of around 3500 kilometers. हमने देखा था कि जो crust region था वो लगभग 35 किलोमीटर का region होता है, और उसके बाद हमारा मेंटल का रीजन होता है, और सबसे नीचे हमारा जो कोर होता है वो प्रेजेंट होता है. तो आप यहाँ पे ये जो डायग्राम दिया गया है इसको ध्यान से देखेंगे कि जो क्रस्ट है वो ये जो रेड वाला एरिया है ये है क्रस्ट. तो क्रस्ट कितना होता है, 35 किलोमीटर्स लगभग होता है. वहीं पर ये जो मेंटल है येलो रीजन, ये होता है 2900 किलोमीटर्स लगभग, और ये जो कोर होता है अंदर का रेड वाला, इसका जो रेडियस होता है वो होता है 3500 किलोमीटर्स. तो जो क्रस्ट है इट इज़ द अपर लेयर जिस पे हम आप रहते हैं. ओशन के नीचे जो प्रेजेंट होता है उसको ओशियनिक क्रस्ट कहते हैं, और जिस लैंड पे जहाँ पर हम रहते हैं उसको कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहा जाता है. ओके, तो जो सेकेंड लेयर होती है जस्ट बीनीथ द क्रस्ट, तुरंत क्रस्ट के नीचे ही एक मेंटल का रीजन होता है जो लगभग 2900 किलोमीटर का चौड़ाई है जिसकी, और वह प्रेजेंट होता है क्रस्ट के नीचे. फिर उसके बाद द इनर मोस्ट लेयर, जो सबसे अंदर की लेयर है वो होती है जिसको कोर कहा जाता है, और जिसका रेडियस है 3500 किलोमीटर्स का. इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन एंड इज कॉल्ड नाइफ. जो हमारा अंदर सबसे अंदर का रीजन यानी कि कोर है, कोर का रीजन जो है उसको कहा जाता है नाइफ, क्योंकि उसमें निकल Ni दैट मीन्स निकल, और आयरन को फेरम भी कहा जाता है, फेरस कहा जाता है, तो Fe, इसलिए NiFe जो वर्ड है, ये जो वर्ड है NiFe, इसमें Ni का मतलब हो गया निकल, और Fe मींस होता है फेरस जिसका मतलब होता है आयरन. तो जो हमारा कोर होता है उसमें निकल और आयरन दोनों की अधिकता होती है. ओके, द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर. जो कोर होता है अर्थ का, जो सबसे अंदर का सबसे सेंटर का जो पोजीशन होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर वहाँ का हाई होता है, और वहाँ पे प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है. तो आपने सुना होगा कि जो पेट्रोलियम है वो मिट्टी के अंदर से निकाला जाता है, जो कोयला है वो मिट्टी के अंदर से निकलता है, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और प्रेशर बहुत ज़्यादा है. इस वजह से जो सब्सटेंस बहुत सालों पहले दब गए थे मिट्टी के अंदर, वो कन्वर्ट हो गए हैं पेट्रोलियम और कोयले के रूप में. जैसे कि डायनासोर्स थे, तो उसके बाद जब बहुत ही आपातकाल की स्थिति हुई और सब के सब विलुप्त हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, तो डायनासोर की तो डेथ हो गई लेकिन उनकी बॉडी जो थी वो अर्थ पर ही थी. वो जब इतना भयंकर माहौल ख़राब हुआ अर्थ पे और सब एक्सटिंक्ट होने लगे, तो ये सारे मिट्टी के अंदर दब गए. जब ये मिट्टी के अंदर दबे तो वहाँ पे आपको पता है कोर, मेंटल, इन सब का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, जिसके वजह से जो पेट्रोलियम का जो कंटेंट है
ये डायनासोर्स वगैरह से हुआ है और जितने भी पेड़ पौधे थे वो भी दब गए मिट्टी में और वो कोयले के रूप में कन्वर्ट हो गए क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। नाउ वी हैव रॉक्स एंड मिनरल्स। द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स। जो हमारा अर्थ का क्रस्ट है यानी अपर लेयर, इसमें बहुत ही तरह तरह की रॉक्स प्रेजेंट होती हैं। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक। कह रहा है रॉक क्या होता है। रॉक वो होता है कोई भी नेचुरल मैटर, मतलब जो कि नेचुरली प्रेजेंट है, आर्टिफिशियल ना हो, नेचुरली प्रेजेंट हो, और वो एक बड़ी सी चट्टान आप कह सकते हो जो मिनरल्स की बनी हुई होती है और वो अर्थ का सरफेस या रॉक अर्थ का सरफेस या कोई भी एक रीजन में कोई मिनरल का कंटेंट बहुत ज़्यादा हो तो उसको कहा जाता है रॉक। एनी नेचुरल मास, कोई भी नेचुरल मास हो सकता है जो कि मिनरल से बना हुआ है और वो अर्थ के क्रस्ट यानी अर्थ के सरफेस पे प्रेजेंट है, उसको कहा जाता है रॉक। ठीक है, क्योंकि पत्थर आप देखते हैं तो वो जो है रॉक कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर साइज एंड टेक्सचर। जो रॉक होता है, जो पत्थर होता है, उसका डिफरेंट कलर होता है, डिफरेंट साइज होती है और उसका टेक्सचर भी डिफरेंट होता है। मतलब वो छूने में कुछ हार्ड होते हैं, कुछ सॉफ्ट होते हैं, अलग अलग कंडीशंस होती हैं। ओके, व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स इट बिकम सॉलिड रॉक दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड इग्नियस रॉक। जब भी कभी वॉल्केनो होता है, यानी मैं डायग्राम से बताऊंगी आपको कि वॉल्केनो जो होता है कुछ इस तरह का होता है। यहाँ अर्थ आपको पता है, ये है आपका अर्थ। ठीक, अर्थ के ऊपर जो वॉल्केनो माउंटेन्स होते हैं वो ऐसे प्रेजेंट होते हैं, इस तरह के। तो अर्थ के अंदर यहाँ क्या है, कोर, जहाँ पर निकल और आयरन बहुत ज़्यादा है, फिर मेंटल का रीजन है और फिर ये ऊपर का रीजन जो है वो क्रस्ट है। आपको इतनी चीज़ें पता हैं और इसी क्रस्ट पे हमारा प्रेजेंट होता है वॉल्केनो का माउंटेन, जहाँ से वॉल्केनिक इरप्शन बहुत ही ज़्यादा होता रहता है। क्या होता है, जब प्रेशर अर्थ के क्रस्ट पे, ये जो मोल्टन फॉर्म में जो है, जहाँ पे हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर है, जहाँ पर आपका आयरन और निकल की मात्रा बहुत ज़्यादा है और भी मिनरल्स की मात्रा बहुत ज़्यादा है, जब इसका प्रेशर सरफेस पे यानी कि क्रस्ट पर बहुत ज़्यादा होने लगता है तो यहाँ की ज़मीन ऐसे उठने लगती है और प्रेशर एक दिन इतना ज़्यादा होता है कि ये बस्ट करके, ये फूट करके यहाँ से बहने लगता है। जो भी यहाँ के अंदर का सब्सटेंस होता है वो यहाँ से निकल के ऐसे बहने लगता है। तो ये होता है वॉल्केनो। तो वॉल्केनिक एरप्शन जब होता है तो ये अंदर जो हमारे अर्थ के अंदर जो मोल्टन मैग्मा लावा प्रेजेंट थे, मतलब मोल्टन मिनरल्स प्रेजेंट थे, उनका प्रेशर इतना ज़्यादा सरफेस पे हुआ कि वो फूट करके बाहर निकल आए। जैसे ही बाहर निकलते हैं यहाँ का टेम्परेचर अर्थ के अंदर के टेम्परेचर से कम होता है, मतलब बाहर ये एटमॉस्फेयर है, यहाँ का टेम्परेचर यहाँ के टेम्परेचर से कम होता है, यहाँ वाला टेम्परेचर कम होता है इस वाले टेम्परेचर से, अर्थ के अंदर का टेम्परेचर हाई होता है, तो यहाँ पे चीज़ें पिघली हुई होती हैं। और जैसे ही ये बाहर आता है, बाहर आते ही वहाँ का टेम्परेचर कम होता है और चीज़ें जमने लगती हैं। ओके, जैसे ही, जैसे क्या है, बर्फ़ है, बर्फ़ को आपने फ्रिज के अंदर जब तक रखा है तब तक वो बर्फ़ है, लेकिन जैसे आप बाहर उसको निकाल देते हो तो वो पिघलने लगता है। वही कंडीशन है, जब तक वो अर्थ के अंदर था, टेम्परेचर ज़्यादा था तो चीज़ें पिघली हुई थी, लिक्विड फॉर्म में थी, लेकिन जैसे टेम्परेचर घटने लगता है वैसे ही चीज़ें जमने लगती हैं। तो जब जो ये मोल्टन फॉर्म में जो वॉल्केनिक एरप्शन से जो भी मिनरल्स निकले हुए थे, जब ये बह करके बाहर आ गए और जम गए अपनी जगहों पर, तो उनको कहा गया इग्नियस रॉक, क्योंकि वो वहाँ जम गए, वो पत्थर जैसे बन गए, तो उनको कहा गया इग्नियस रॉक, क्योंकि वो कहाँ से आए थे, वॉल्केनिक एरप्शन से पैदा हुए थे। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द प्राइमरी रॉक, और इनको प्राइमरी रॉक भी कहा जाता है। तो जो रॉक्स होते हैं उनकी तीन मेजर कैटेगरीज हैं, एक इग्नियस, एक सेडिमेंट्री और तीसरी है मेटामॉर्फिक। तो इग्नियस रॉक कौन सी होती है, जो वॉल्केनिक एरप्शन से जो मोल्टन मैग्मा और लावा निकलता है उस
इसको वो जब जम जाते हैं यहाँ के टेम्परेचर में, अर्थ के टेम्परेचर पर आते ही जब वो जम जाते हैं तो वो एक रॉक जैसा फॉर्मेशन बना लेते हैं जिनको कहा जाता है इग्नियस रॉक। ठीक है, व्हेन द मॉल्टन मैग्मा कूल्स इट बिकम सॉलिड रॉक दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड इग्नियस रॉक। ठीक, दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक, इनको प्राइमरी रॉक भी कहा जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक, जो इग्नियस रॉक है वो दो तरह के होते हैं, इंट्रूसिव रॉक और एक्सट्रूसिव रॉक। मतलब मैंने बताया कि जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो वॉल्केनो से जो भी चीज़ें निकलती हैं उसको मैग्मा कहते हैं, लावा कहते हैं। ठीक है, तो जो उनसे जो रॉक बनता है वो इग्नियस रॉक कहलाता है। ये जो इग्नियस रॉक होते हैं ये दो तरह के प्रेजेंट होते हैं, पहला है इंट्रूसिव और दूसरा है एक्सट्रूसिव। कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वॉल्केनोज, क्या आप इमेजिन कर, मैंने जब अभी बताया आपको तो क्या आपने ये सोचा कि वॉल्केनो कैसा होता है और कैसे उसमें से मैग्मा और लावा निकलते हैं? तो आप इस चीज़ को इमेजिन करो और एक रफ डायग्राम बनाओ कैसा होता है वॉल्केनिक इरप्शन और आप मुझे सेंड करेंगे, दिस इज़ योर असाइनमेंट। लावा इज एक्चुअली फियरी रेड मॉल्टन मैग्मा कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस। लावा क्या होता है? ये रेड रेड कलर का मॉल्टन सरफेस होता है। मतलब कि जब वॉल्केनिक एरप्शन आप देखते हैं, यू कैन सी हियर द डायग्राम, यहाँ पे आप देख रहे हैं जो हमारा अर्थ का सरफेस था वो कुछ इस तरह से फॉर्म हो गया। तो जब प्रेशर अंदर जो मॉल्टन फॉर्म में जो कोर में जो मेटल्स हैं वो जो जब मॉल्टन फॉर्म में और उनका प्रेशर जब ज़्यादा होने लगता है तो ऐसे अर्थ में क्रैक्स आ जाते हैं और इन्हीं क्रैक्स से जो मॉल्टन फॉर्म का होता है वो सब ऐसे बह करके निकलने लगता है। तो जब तक वो उसमें से निकल रहा होता है उसको मैग्मा कहते हैं। ठीक है, लावा कहते हैं उसको। जब ये यहाँ से निकल रहा है इसको लावा बोलेंगे और जब आ करके ये इधर यहाँ पे आप देख रहे हैं रेड कलर का क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हीट है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है यहाँ का इस सब्सटेंस का, तो इस वजह से इसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है। इवन प्रेशर, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर की वजह से ये जैसे बम फूटना जिसको बोलते हैं, जैसे बम एक्सप्लोड होता है कुछ उस तरह से ये फूट करके बाहर आते हैं और रेड कलर का ऐसा मॉल्टन होता है। और ये जो आप देख रहे हैं ये बहता हुआ जो आया हुआ है ये ही क्या करता है, अपनी जगहों पर ये जम जाता है क्योंकि हमारे अर्थ के ऊपर का जो टेम्परेचर है वो कम होता है। तो ये क्या करता है, यहाँ पर जम जाता है और जमने के बाद ये रॉक जैसा फॉर्मेशन करता है और जिसको कहा जाता है इग्नियस रॉक। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये है वॉल्केनो का डायग्राम जिसको आप देख रहे हैं और जो रेड कलर का निकल रहा है दैट इज मैग्मा एंड लावा। तो जब वो वॉल्केनो से निकलता है जो रेड कलर का मॉल्टन फॉर्म होता है तब उसको लावा कहते हैं और जब वो अर्थ के सरफेस पे बहता हुआ जाता है तो उसको मैग्मा कहते हैं। मतलब जब तक वो वॉल्केनो के अंदर था दैट इज़ लावा और जैसे ही वो अर्थ के ऊपर आ गया दैट इज़ मैग्मा। एक ही चीज़ को दो नाम दिया गया है, वॉल्केनो के अंदर लावा और बाहर मैग्मा। ओके, तो कह रहा है कि लावा इज एक्चुअली अ फेरी रेड मॉल्टन मैग्मा। लावा क्या है? एक रेड कलर का मॉल्टन यानी पिघला हुआ मेटल यानी एलिमेंट्स मेटल का कॉम्बिनेशन होता है, जब वो पृथ्वी के बाहर आता है तो वो जम जाता है। ओके, व्हेन दिस मॉल्टन लावा कम्स ऑन द अर्थ सरफेस इट रैपिडली कूल्स डाउन एंड बिकम्स सॉलिड। मैंने अभी अभी बताया कि जब ये मॉल्टन मैग्मा जो होता है जब आता है अर्थ के सरफेस पे तो टेम्परेचर यहाँ कम होने के वजह से वो कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है और जम जाता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है और उसको कहा जाता है इग्नियस रॉक। रॉक्स फॉर्म्ड इन सच अ वे ऑन द क्रस्ट आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। ऐसे रॉक जो इस तरह से फॉर्म होते हैं, मतलब लावा वॉल्केनिक इरप्शन से जो लावा निकला वो जम गया और वो जो फॉर्म किया पत्थर उसको बोला जाता है
एक्सट्रूसिव रॉक, मतलब जो हमारे अर्थ के क्रस्ट पे, अर्थ के सरफेस पे निकलने के बाद जम गया, और वो जो पत्थर था उसको एक्सट्रूसिव कहते हैं। दे हैव वेरी फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर, और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही फाइन होता है। फॉर एग्जाम्पल बेसाल्ट, एग्जाम्पल उसका है बेसाल्ट, ओके। द डेक्कन प्लेटू इज मेड अप ऑफ बेसाल्ट रॉक, जो हमारे साउथ में दक्कन का पठार जिसको बोलते हैं, तो डेक्कन जो प्लेट्यू है वो बेसाल्ट टाइप के रॉक से बना हुआ है, मतलब वो कभी वॉल्केनिक इरप्शन हुआ रहा होगा और मॉल्टन मैग्मा लावा जो निकले थे वो जम करके एक्सट्रूसिव टाइप ऑफ रॉक बन गया और जिसको कहा गया बेसाल्ट, ओके। समटाइम्स द मॉल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, सॉलिड रॉक सो फॉर्म्ड आर कॉल्ड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। अभी अभी जो वॉल्केनिक इरप्शन का आपने डायग्राम देखा उसमें क्या था कि जो लावा था वो बह करके बाहर आ गया और जम गया अर्थ के सरफेस पे, अर्थ के ऊपर जम गया, उसको बोला गया एक्सट्रूसिव, मतलब बाहर, एक्स मीन्स बाहर। वहीं पर जो लावा अंदर पृथ्वी के अंदर ही कूल होकर के जम जाता है उसको कहा जाता है इंट्रूसिव, मतलब ऐसा पत्थर जो पृथ्वी के अंदर मैग्मा और लावा से बना हुआ, ऐसा पत्थर जो पृथ्वी के अंदर ही कूल हो गया और वहीं पर जम गया तो वो हो गया इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, और जो पृथ्वी के बाहर आ करके जमा पत्थर बना उसको बोला गया एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, ओके। सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स, तो क्या कह रहा है कि जो पृथ्वी के बाहर यानी एक्सट्रूसिव वाला जो इग्नियस रॉक था वो बाहर आता है तो फाइन ग्रेन्स वाले पत्थर मिले, जो बेसाल्ट जिसको कहा गया, लेकिन जो पृथ्वी के अंदर ही जम गए उन वो जो थे वो लार्ज ग्रेन थे, मतलब उनके जो दाने थे वो बड़े बड़े थे और पत्थर की जो शिलाएं थी वो भी बहुत बड़ी बड़ी थी। ग्रेनाइट इज द एग्जाम्पल ऑफ सच रॉक, जो ग्रेनाइट होता है, ग्रेनाइट पत्थर जो आपके घरों में लगाया जाता है, किचन वगैरह में लोग लगाते हैं, वो जो होता है टाइप ऑफ रॉक उसको कहते हैं वो पृथ्वी के अंदर जमता है, यानी इंट्रूसिव टाइप ऑफ रॉक है। ग्राइंडिंग स्टोन यूज टू प्रिपेयर पेस्ट पाउडर ऑफ स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड ऑफ ग्रेनाइट, जो आपका मिक्सर वगैरह में पहले ग्रेनाइट के पत्थर लगते थे, मतलब बेसिकली चीज़ों को पीसने के लिए या पाउडर बनाने के लिए, पेस्ट बनाने के लिए जिस औजार का यूज़ किया जाता है उसमें ज़्यादातर ग्रेनाइट पत्थर यूज़ किया जाता है, ओके। रॉक्स रोल डाउन क्रैक एंड हिट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इंटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स, दीज स्मॉलर पार्टिकल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट। जब पत्थर रोलिंग करता हुआ यानी घूमता हुआ ऊंचाई से नीचे की तरफ, अगर पत्थर गोल गोल घूमता हुआ आपस में टकराता हुआ जमीन पर आ जा रहा हो, ऐसे कंडीशन में क्या होता है, रॉक्स जो होते हैं बड़े बड़े पत्थर इधर उधर टकराते हुए जब नीचे आते हैं तो उनका जो शेप होता है वो बिखर जाता है, मतलब वो टूट जाते हैं। एक बड़ा पत्थर पहाड़ से चला और नीचे आते आते अलग अलग जगहों पर ठोकर खाते खाते वो टूट जाता है कई सारे पार्ट्स में, जिसको अब एक बड़ा सा पत्थर था, अब आप ही सोचिए एक बड़ा सा पत्थर था वो ऊपर माउंटेन से टकराते हुए इधर उधर नीचे आ रहा है, यानी वो बड़ा सा कई कई सारे टुकड़ों में टूट गया, तो वो जब पृथ्वी पर पहुंचा तो बड़ा पत्थर थोड़े मिला, वहाँ पे तो छोटे छोटे पत्थर हमको मिले, तो उसको बोला जाता है सेडिमेंट, यानी सेडिमेंट ऑफ रॉक। दीज सेडिमेंट आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय विंड वाटर ETC। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ पत्थर जब ऊपर से जब बड़े पत्थर टकराते हुए नीचे आते हैं तो कुछ हमें बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं, कुछ हमें पाउडरी और मोरंग जिसको बोलते हैं, मोरंग जैसा भी सब्सटेंस मिलता है। ये जो होते हैं फाइन जो पत्थर के टुकड़े होते हैं ये हवा पानी के साथ बह सकते हैं, बह जाते हैं और इधर से उधर जा करके इकट्ठा हो जाते हैं, उनको कहा जाता है सेडिमेंट्री रॉक, मतलब क्योंकि वो बड़े बड़े पत्थर के टकराने से टूटे हुए स्ट्रक्चर थे और वो ज़मीन पर आ गए तो उनको सेडिमेंट कहा गया, और वो सेडिमेंट हवा के साथ पानी के साथ बह करके इधर उधर चले गए और वहाँ पे एक बड़ा सा जगह कवर कर लिया पत्थरों का, तो उसको बोला गया सेडिमेंट्री रॉक, क्योंकि ये रॉक के सेडिमेंट से बने हुए थे, ओके। फॉर एग्जाम्पल
सैंडस्टोन इज मेड अप ऑफ ग्रेन्स ऑफ सैंड. जो सैंडस्टोन है वो बना हुआ है सैंड के ग्रेन से, मतलब बालू के छोटे छोटे कणों से वो इकट्ठा हो गए थे, बालू के छोटे छोटे कण किसी एक जगह पर, और वो पत्थर जैसा स्ट्रक्चर बना लिए, इसलिए उसको सैंडस्टोन कहा जाता है. दीज रॉक्स में ऑल्सो कंटेन फॉसिल ऑफ प्लांट, और इन रॉक्स में प्लांट यानी पेड़ पौधों के भी जीवाश्म प्रेजेंट होते हैं. एनिमल एंड अदर एनिमल्स के भी होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के भी होते हैं. ओके, नाउ द लास्ट वन इज इग्नियस रॉक. इग्नियस एंड सेडिमेंट, हाँ इग्नियस के बारे में हमने पढ़ा, ये दो तरह के होते हैं, एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव. जो पृथ्वी के बाहर होते हैं, जमते हैं, उनको एक्सट्रूसिव कहा गया, और जो पृथ्वी के अंदर ही जम जाते हैं उनको इंट्रूसिव कहा गया. नाउ इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इंटू मेटामॉर्फिक रॉक्स अंडर अ ग्रेट हीट एंड प्रेशर. फॉर एग्जाम्पल क्ले चेंजेस इंटू स्लेट एंड लाइमस्टोन इंटू मार्बल. कह रहा है जब इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक को कई सारे अलग अलग कंडीशंस में रख करके उसके शेप साइज और उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसको चेंज किया जाता है, ऐसे रॉक को मेटामॉर्फिक रॉक कहा जाता है. दैट मीन्स अगर कोई सेडिमेंट्री रॉक है उसको आप हाई प्रेशर में रख दे रहे हो, या कूल करके रख दे रहे हो, या पृथ्वी के अंदर कुछ दिन दबा करके रख दे रहे हो, या इग्नियस टाइप का रॉक है उसको आप ज़्यादा हीट कर दे रहे हो, ज़्यादा पिघला दे रहे हो, उसमें चेंजेस कर रहे हो, तो वो जो नया वाला रॉक फॉर्म होगा, पुराने को चेंज करके जब आपने नया बनाया, तो जो नया वाला रॉक होगा वो मेटामॉर्फिक रॉक उसको कहा जाता है. ठीक है, उसका एग्जांपल होता है क्ले, यानी कि जो धूल की कण होती है उसको यूज़ करके स्लेट बनाया जाता है. तो उसका एग्जाम्पल होगा धूल की कण थी, सोचो क्या धूल ही थी, और उसको हीट और प्रेशर सब दे करके उसको स्लेट बना दिया गया. तो उसके जो क्ले है उसके स्ट्रक्चर को बदल दिया गया, मिट्टी के स्ट्रक्चर को बदल दिया गया. वहीं पर लाइमस्टोन, उसको बदल दिया गया मार्बल में. ठीक है, तो वो होता है मेटामॉर्फिक रॉक. नाउ रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस. द हार्ड रॉक आर यूज टू मेकिंग रोड. जो रॉक होते हैं हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं. जो हार्ड यानी कि जो ठोस पत्थर होते हैं उनसे रोड बनाया जाता है, हाउस बनाया जाता है, बिल्डिंग बनाया जाता है. यू यूज स्टोन इन मैनी गेम्स. आप पत्थरों का यूज़ बहुत सारे गेम्स में भी करते हैं. फॉर एग्जाम्पल सेवन स्टोन, पिट्ठू, हॉप स्कॉच, मतलब बहुत सारे गेम्स हैं जिनमें आप पत्थरों का यूज़ करते हैं. फाइंड आउट सम सच गेम्स बाई आस्किंग योर ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, नेबर्स, etc. कह रहा है कुछ गेम्स का नाम आप बताइए जिनमें स्टोन्स को आप यूज़ करते थे, आपके ग्रैंड पेरेंट्स यूज़ करते थे. यहाँ पर आप दो डायग्राम देख रहे हैं, एक है ताजमहल और दूसरा है रेड फोर्ट. जो रेड फोर्ट है ये सैंडस्टोन से बना हुआ है, एक तरह का ये क्या मेटामॉर्फिक रॉक है. क्यों? क्योंकि क्ले को चेंज करके सैंडस्टोन बनाया जाता है. और ताजमहल जो है इसमें वाइट मार्बल यूज़ किया गया है. ओके, लाइमस्टोन को कन्वर्ट करके मार्बल बनाया जाता है. ये दोनों आपके लिए एक कंडीशन है. सो वी हैव डिस्कस द 3 टाइप्स ऑफ रॉक इन टुडेज लेक्चर. दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस. वी विल डिस्कस द अदर थिंग्स इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी.